नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत लोधी वंश को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के जो वंश थे, गुलाम, खिलजी, तुगलक, इन सभी को पढ़ लिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे जाके देखें, साथ में आप नोट्स भी बनाते चलें ताकि आपको चीज़ें जो है अच्छे से याद हो जाए। जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स बनते हैं परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, उन सभी को इसमें सम्मिलित किया गया है और इसे आप अच्छे से तैयार करें। समय समय पर जो इसे रिवीजन करते रहें, निश्चित ही आपको सवाल बनाने में दिक्कत नहीं होगा। आप इसे तैयार करने के बाद जो है प्रीवियस ईयर घटनाचक्र वगैरह को भी आप सॉल्व करके देखें, सारे प्रश्न लगभग जो हैं आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, लोधी वंश की स्थापना जो है ये बहलोल लोधी ने की थी। ठीक है, बहलोल लोधी ने, हम लोगों ने पढ़ा था कि ये अफगान था और इसे जो है पहले तुगलक वंश के एक शासक ने जो है अपना सेनापति बनाया, फिर उसके उत्तराधिकारी ने इसे अपना पुत्र बना लिया था और इसने जो है उसे ही गद्दी से हटा करके नए वंश लोधी वंश की स्थापना कर दी। बहलोल लोधी ने अपने नाम पर बहलोली सिक्के चलाए थे। ध्यान रखें आप, बहलोली सिक्के नाम से स्पष्ट है किसने चलाए थे, तो बहलोल लोधी ने। इसने जो है जौनपुर पर आक्रमण करके उस पर भी अधिकार कर लिया। अब जौनपुर देखिए, आपको पता है हम लोग पढ़ चुके हैं ये फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था अपने बड़े भाई के नाम पर, एक नगर था, ठीक है, जिसे पूर्व का सिराज भी कहा जाता है ना, उस पर भी आक्रमण इसने करके उसे अपने अधिकार में कर लिया। बहलोल लोधी का उत्तराधिकारी जो है ये सिकंदर लोधी हुआ। ध्यान रखें आप, बहलोल लोधी का उत्तराधिकारी सिकंदर लोधी हुआ। अगला जो फैक्ट है, कहता है सिकंदर लोधी के काल में ही वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत आया था। ध्यान रखें, अब सवाल पूछ लेगा दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के काल में वास्को डिगामा भारत आया था, तो सिकंदर लोधी के काल में। ध्यान रखना ये बात। 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर, जिसे सिकंदराबाद के नाम से पहले जाना जाता था, की स्थापना की। कई दफा एग्जाम में पूछा गया है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की, बहुत बार पूछा गया, आपको भी पता होगा, तो ये है सिकंदर लोधी। और 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी जो है अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा ले गया। ठीक है, 1506 में दिल्ली से आगरा ले गया, 1504 में जो है आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। उसके बाद देखिए, दिल्ली सल्तनत की आखिरी राजधानी कहाँ बन गया, आगरा में। ये सवाल भी पूछा गया है, घुमा के पूछता है ऐसा सवाल, दिल्ली सल्तनत की आखिरी राजधानी आगरा। ध्यान रखें आप, सिकंदर लोधी जो है ये कवि था और गुलरुखी नाम से जो है अपनी कविताओं को लिखता था। बहुत बार सवाल पूछा गया है कि गुलरुखी नाम से कविता जो है कौन सा शासक लिखता था दिल्ली सल्तनत का, तो ध्यान रखें सिकंदर लोधी ये एक कवि भी था। भूमि नापने हेतु जो है सिकंदर लोधी ने गज ए सिकंदरी की शुरुआत की। गज ए सिकंदरी किस लिए शुरू की गई थी, तो भूमि नापने के लिए, किसके द्वारा, तो सिकंदर लोधी के द्वारा। ध्यान रखें आप, वहीं इसने जो है सिकंदर लोधी ने कुतुब मीनार को मतलब ठीक करवाया था, पुनर्धार करवाया था। हम लोग पढ़ चुके हैं कुतुब मीनार के निर्माण में देखिए किन किन का सहयोग है, अगर आपने पीछे से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक और जो है अपना सिकंदर लोधी। ठीक है, ध्यान रखें, सिकंदर लोधी का उत्तराधिकारी जो हुआ ये हुआ इब्राहिम लोधी। ठीक है, इब्राहिम लोधी, और इब्राहिम लोधी जो है ये इसे भारत का अंतिम सुल्तान कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद ही जो है मुगल वंश की स्थापना होती है, वो हम लोग आगे वाले क्लास में पढ़ेंगे। तो ध्यान रखें, भारत का अंतिम सुल्तान कौन था, तो इब्राहिम लोधी। अब देखिए, इब्राहिम लोधी जो है ये गद्दी पर बैठ गया। इब्राहिम लोधी के बारे में पहला सवाल जो है कई दफ़ा पूछा गया है, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जो युद्ध भूमि में मारा गया, तो ये है इब्राहिम लोधी। ध्यान रखें आप, इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इसे जो है बाबर ने
पानीपत में ही मार दिया था। देखिए इब्राहिम लोदी जो है ये एक अयोग्य शासक था, ठीक है, इसकी जो व्यवस्था थी अन्य शासकों से अच्छी नहीं थी। और इब्राहिम लोदी ने 1517 ईस्वी में घटौली का युद्ध जो है राणा संगा के साथ लड़ा था। ध्यान रखें राणा संगा का वास्तविक नाम जो है ये संग्राम सिंह था, ये भी ध्यान रखें, आप पूछा गया एग्जाम में संग्राम सिंह किसका नाम था वास्तविक, राणा संगा का। राणा संगा और इब्राहिम लोदी के बीच कौन सा युद्ध हुआ, ध्यान रखें घटौली का युद्ध, कब, 1517 ईस्वी में, ध्यान रखना है। और घटौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी हार गया, ठीक है, और राणा संगा की जीत हुई। इस जीत के बाद जो है राणा संगा ने अन्य सभी जो है क्षेत्रों पर जीत हासिल करने की कोशिश भी की थी, और इसी कोशिश में जो है राणा संगा ने जो कुछ लोदी शासक जो हैं इसके बचे हुए थे, जो इसके फॉलोअर थे, उन्हें समाप्त करने हेतु राणा संगा ने जो है बाबर को सहायता देने की भी घोषणा की थी। लेकिन जो है राणा संगा ने बाद में जब उसे यह पता चला कि बाबर जो है परमानेंटली जो है भारत में इस्टेब्लिश करेगा, तो उसने सहायता नहीं दी थी। इसलिए बाबर और राणा संगा के बीच में भी जो है इस बात को लेकर के युद्ध हुआ था, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए 1519 ईस्वी में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया पहली बार। पहली बार कब आक्रमण किया, 1519 ईस्वी में। कहाँ पर किया था, तो ये जगह है बाजौर के भेड़ागढ़ के किले पर, ठीक है, बाजौर में जो भेड़ागढ़ का किला है उसी पर 1519 में बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किया। फिर देखिए इस आक्रमण में बाबर ने जो है तोप, गोला, बारूद, इन सभी चीज़ों का प्रयोग जो है बड़े पैमाने पर किया था। अब देखिए बाबर ने भारत पर आक्रमण किया क्यों, तो उसके पीछे का कारण है पंजाब का एक सूबेदार था दौलत खान लोदी, ठीक है, पंजाब का सूबेदार कौन, दौलत खान लोदी, और दिल्ली का सूबेदार आलम खान लोदी। इन दोनों ने बाबर को इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया, ठीक है, और इनके आमंत्रण के बाद जो है राणा संगा ने भी बाबर को आमंत्रित किया और जो है साथ देने की घोषणा की, जिसके बाद जो है इन सभी का मानना था, दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी, राणा संगा, कि बाबर जो है भारत पर आक्रमण करेगा, संपत्ति लूट के चला जाएगा, उसके बाद जो है यहाँ पर जो शासन की जिम्मेवारी होगी ये यहाँ पर जो संभालेगा वो देखा जाएगा बात की बात। लेकिन बाबर जो है, बाबर के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि वह जो है कभी भी एक जगह स्थिर से नहीं टिक पाया, ठीक है, और इसी कारण जो है वह जो है हिंदुस्तान पर आक्रमण भी करता है, जिसके पीछे आर्थिक स्थिति को मजबूत करना तो एक रीज़न था ही, लेकिन यह भी था कि वह अपनी स्थिति एक जगह मजबूत कर सके। वह कई जगह से जो है भाग चुका था, लेकिन जब इन लोगों को पता चला कि बाबर जो है अब जाएगा नहीं हिंदुस्तान से, तो समस्या उत्पन्न हुई, ठीक है। तो ध्यान रखें सवाल पूछा जाता है दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी और राणा संगा ने, इन सभी ने जो है निमंत्रण दिया था बाबर को भारत पर आक्रमण करने का, इसलिए बाबर ने जो है भारत पर आक्रमण किया। और युद्ध में बाबर ने जो है आधुनिक हथियारों का प्रयोग किया, तोप गोले चलाए, जिसमें कि देखिए ध्यान रखिए पूछा जाता है मुस्तफ़ा खान और उस्ताद अली, ये दोनों जो है ये बाबर के प्रमुख तोपची थे, मुस्तफ़ा खान और उस्ताद अली। फिर देखिए 21 अप्रैल 1526 को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच जो है पानीपत का पहला युद्ध हुआ। ध्यान रखें 21 अप्रैल 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का पहला युद्ध हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। इब्राहिम लोदी जो है ये रणभूमि में मारा गया, और बाबर की जीत के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, ठीक है।
ये अपना था दिल्ली सल्तनत का लास्ट वंश। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, रिवीजन करते रहें। अगला हमारा जो होगा ये मुगल स्टार्ट होगा। धन्यवाद।